कलर्स का फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे रोती और बिलखती बोंदिता अनिरुद्ध से सवाल करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध ने बोंदिता को घर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन अभी भी उसके ख्वाबों में, उसके सपनों में बोंदिता ही बसी हुई है। क्योंकि जब भी अनिरुद्ध कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है तो उसके सामने बोंदिता की तस्वीर आती है और बोंदिता अनिरुद्ध से सवाल कर रही होती है और अनिरुद्ध गुस्से में कहता है कि नहीं है मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब। और सामने जब वो देखता है तो गेट पर कोहली खड़ी होती है और फिर वो अपने आप को गलत साबित करने के बजाय सही साबित करने में लग जाता है, जिसके बाद कोहली कहती है कि बोंदिता तो यहाँ है ही नहीं, वो तो मालिक जा चुकी है। जिसके बाद अब अनिरुद्ध क्या करने वाला है, क्या वो बोंदिता के बारे में एक बार फिर से सोचेगा और उसे घर वापस लेकर आएगा या फिर नहीं। वैसे अभी खानी में जो भी देखने को मिल रहा है उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के मन में एक बार फिर बोंदिता के लिए प्यार उमड़ेगा और वो बोंदिता के पास गाँव में पहुँच जाएगा उसे लेने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है उसकी माँ, चाहे उसकी माँ खुद अनिरुद्ध से माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।